वेलकम बैक टू माय चैनल केम चो मजामा। कैसे हो आप सब लोग? हाय मम्मी। गुड मॉर्निंग। और मैं ये सोच रही हूँ कि आज हम लोग बिल्कुल भी होटल में बैठ के बोर नहीं होने वाले हैं। आज हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। और मैंने ना नेट पे भी देखा कि हम लोग कहाँ पर घूमने जा सकते हैं, तो हम लोग है ना यहाँ पे जंगल में घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े जंगल है। यस, यहाँ पे ना मैसूर में बहुत सारे ऐसे जंगल है, तो हम सोच रहे हैं कि आज हम लोग है ना जंगल घूमने जाए। जंगल में बहुत सारे जानवर भी होंगे। और गाइस, यहाँ के है ना छोटे मोटे गांव भी देखेंगे कि यहाँ पे गांव कैसे होते हैं। ठीक है, मैं आप सबको बहुत सारा सब कुछ घुमाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और अभी से लाइक कर देना। ठीक है, तो अभी है ना सबसे पहले पेट पूजा कर लेते क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे। क्या लिखा है पप्पा ये बताओ? इडली। हाँ, ये नीचे उत्तपम। हाँ, पूरी। वो तो फोटो में देख के बता रहे हो आप। तो कहाँ देख के बताओ, मेरे को थोड़ी ना वो कन्नड़ा आती। अभी हम इडली वड़ा खाने आए इधर मैसूर में आए। इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, वड़ा खाएंगे। ये देखो गाइस, ये आ गया हमारा इडली वड़ा। तो टेस्टी लग रहा है देखो। तो हमारा नाश्ता जो है वो हो गया है। पप्पा भी बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। जाएंगे ना अभी जंगल में जाएंगे। हाँ। मेरे को भी देखना वहाँ पे ना ऐसे जानवर वानवर भी दिखेंगे। अभी मैंने यहाँ पूछा। हाँ। तो जा सकते जंगल घूमने के लिए, मजा आएगा। चलो चलो गाइस, मैं आपको भी दिखाती हूँ। लेट्स गो। देखो आपको है ना मेरे पीछे पूरा जंगल दिख रहा होगा। अभी हम लोग है ना परमिशन निकाल रहे हैं जंगल के अंदर जाने की। और हाँ, जंगल के अंदर है ना लोग भी रहते हैं। और देखते हैं कि हमें है ना कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा। देखो कितना भयानक जंगल है ये पीछे। तो फाइनली गाइस, हमें है ना जंगल के अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे जंगल के अंदर और ढेर सारे एनिमल देखेंगे। ये देखो गाइस, ये हम प्राइवेट कार से जाएंगे जंगल के अंदर। अब देखो आप लोग कैसे कैसे एनिमल दिखते हैं हमको। तो हम है ना अभी जंगल में एंटर करने वाले हैं। देखते हैं हमें ना कोई एनिमल्स दिखते हैं कि नहीं। और ये देखो ना, ये ना टाइगर रिजर्व भी है। कहीं हमें टाइगर दिख गया तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। क्या है पापा ये? ये देखना, ये चीटियों का घर। कितना बड़ा घर बना लिया उन्होंने। मैसूर के पास ही नागरोले जंगल है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस जंगल है। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे हमको डर लग रहा था। आपने अभी देखा ना, हमको ब्लैक हिरन दिखा। वो मतलब है ना एकदम रेयर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई दिया ये जंगल में। इधर बंदर देख, बंदर यहाँ। हाय, कुछ नहीं लाए हम, सॉरी। क्या है पापा वो? ब्लैक भैंस बोलता है वो। ब्लैक भैंस। तेरे हाथ से बॉटल लेंगे क्या? कुछ नहीं है ना खाने के लिए। ओ कैसे खड़ा है वो? पानी भर के दो। हाय, उसको बुला रहे हो आप इधर हिरन को? ये थोड़ा फ्रेंडली है शायद। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे डर लग रहा था। और फिर हमने देखा कि जंगल के अंदर आदिवासी लोगों के घर है, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ना टीवी है, ना मोबाइल में नेटवर्क है। हमारे मोबाइल में भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। हम यहाँ पे एनिमल देखते आए, लेकिन हमें ना सिर्फ बंदर दिखा है अभी तक। शायद सब लोग सो रहे हैं, अभी दोपहर का टाइम है ना। देखते हैं, होप कि चीता दिख जाए हमको। तो हमारे साथ जो गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि ये जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती है और डीप जंगल में बहुत सारे आदिवासी लोग भी रहते हैं। देखो ये हिरन कितने सारे हैं, यहाँ पे चिल कर रहे हैं वो लोग। देखो ये कैसे दिख रहा है। वाओ, कितने सारे, ये मस्त घूम रहे हैं यहाँ पे। चलो टाटा, इनसे पूछो ना शेर कहाँ पे। वो सब तेरे पास ही देख रहे। हाय, गाड़ी देख रहे हैं। गाड़ी देख रहे हैं वो। ये देखो खाना खाते खाते इधर देख रही है। हाय, ये देखो ये रहा बंदर, कितना क्यूट है वो। कितने पास है। फिर हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि हमें टाइगर दिखाई देगा। फिर हमें बहुत दूर अचानक कुछ दिखाई दिया। क्या है? दिख रहा है? दिख रहा है? अरे वो हिलने मत देना कैमरा। एक छुपके से देख रहा था वहाँ से। हाँ, वही उसी को दिखा रही हूँ मैं। गाड़ी देख रहे हो? गाड़ी देख रहे हो वो। ये देखो, अरे वो एक नहीं दो है, दो है, दो है, दो दो शेर, दो है, दो है, दो है। चिल्ला मत। हम
कुछ और देर रुकते उतने में ही पीछे से फॉरेस्ट गार्ड आ गए और उन्होंने कहा कि रुकना अलाउड नहीं है, आपको जंगल में ड्राइव करते रहना है। और फिर हम आ गए जंगल के गेट पे। मम्मी आपने वो बैनर देखा? वो देखो। हाँ हाँ देखा देखा। वो आदिवासी हीरोइन है ना, मतलब उनके वो बैनर देखा, पीछे चला गया वो बैनर। चलते हो क्या पापा पीछे? अरे पर क्या, वो आदिवासी हेयर ऑयल है ना, उनके बाल बहुत लंबे होते हैं, तो वो देखना है पीछे। आपने भी देखा ना भैया? चलो जाते वहाँ पे। वो जो ऑनलाइन आते रहता है, ऑनलाइन कितना वायरल चल रहा है वो आदिवासी हेयर ऑयल। सबके बाल बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे ना, हम देख भी सकते हैं उनके बाल कितने बड़े। चलो एक बार ले तो जरा घुमाओ पीछे। हम चलते, हमको देखना है, जरा देखने का। फाइनली आज हम देखेंगे कितने लॉन्ग हेयर्स होते हैं ना उनके। देखो मैं भी लगा के देख लूं, मेरे भी बाल आ जाए। ज्यादा जरूरत है। यस भैया को भी देखेंगे हम लगा के, पापा को भी देखना था है ना। देखूंगा ना मैं, और अगर बाल बड़े हो रहे होंगे मेरे तो। चलो यहाँ से अभी हम लोग चल कर जाएंगे और देखेंगे। चलो पापा भाग, मेरे को जल्दी जाना है वहाँ पर, देखना है सबके हेल्थ देखने है। और वो आइल क्या होता है? वो ही दिख रहा है शायद से, क्या बोलते हैं अपना, वो जो नहीं क्या, वो बड़े बाल लेके से। हाँ हाँ वो वही है, ये देखो इधर आ जल्दी, वो देखो वो वही है लॉन्ग हेयर। हाँ वो देखो, वो रेड इसमें दिख रहे हैं आपको उनके हेयर्स दिख रहे हैं। वीडियो में जो आते हैं वो वही रहते क्या? हाँ ये वीडियो में आते हैं वही है वो। बहुत फेमस है। चलो देखते हैं उनसे बात करते हैं। चलो पापा देखो कितने लॉन्ग हेयर्स है, ये देख रहे हो कितने लॉन्ग हेयर्स है ये। दाढ़ी में भी लगा ले हमको। चलो वो सर से बात करते हैं हम लोग, चल के चले अंदर। वही वही सर है। इधर जंगल उंगल जा रहे थे, इधर जंगल थोड़ा घूमा हमने, तो मैं बोला चलो एक बार इधर भी देख लेते। इन्होंने देखा भी बैनर, सही जगह है सर। अच्छा देख सकते हैं, हम देख सकते। चलो चलते हैं अंदर, चलते जूते जूते उतार लो, जूते उतार लो। चलो हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं, ठीक है? ये हमारा आश्रम यहीं से बनता है, ये हमारे गुरु से बना। हेलो हाय। फिर मैंने देखा कि इन सब के बाल कितने बड़े और कितने घने, जिनका हम सब लोग सिर्फ ड्रीम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, सबके हेयर ही इतने लॉन्ग है, इतने लॉन्ग है। परिवार है, परिवार है, पूरा परिवार है। सबके बाल, सबका बाल लंबा है सर। जो हम बाल लंबे भी करते, काट के बेचते भी हम लोग। अरे वाह। हाँ हम तो परिवार, पैसे हमारा पुराना नाना दाना कालस है। हाँ। बाल लंबे करते थे, बाल काट के बेचते थे। इसमें तेल बनता है आदिवासी हेयर ऑयल, देख सकते हैं। आ जाओ चलते हैं हम अंदर चल के देखते। अंदर हमें दिखा खजाना। एक 108 जड़ी बूटी है। हाँ। ये सूखा जड़ी बूटी है, कच्चा जड़ी बूटी है। हम तो ऐसे खोज के तोड़ के लाता है। अच्छा। ऐसे हम बनाते हैं। ये नारियल का तेल, दिल्ली का तेल, पूरा साथ ला के ऑयल के जैसे खुशबू आ रही है इसमें। हाँ। सर ये ब्रिंगराज का है, ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये है ब्रिंगराज। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी, ये देखो स्मेल करके देखो। हाँ कितनी बढ़िया खुशबू है ना, प्योर एकदम। वो तेल नहीं का अपन लगाते हैं, वो मालिश वाला सर में, वो सेम है उसी बारे ब्रिंगराज की। सारा 12 घंटा जला के हम लोग निकालते। अच्छा इसको जलाते हैं इसको? हाँ वैसे जला के निकालते हैं अंडे में डालते। अच्छा 12 घंटा जलाते हैं। ए देख इधर, इसको जलाया जाता है। हां जलाया। ये देखो ये तेल को है ना, ऑयल को ऐसे जलाया जाता है पहले, पूरा एक साथ 12 घंटा जला के। 12 घंटा इतना ये बनने के लिए पूरा एक दिन लग जाएगा। हाँ। और बताओ सर कैसे बनता है ये हेयर ऑयल? मैडम वही 101 जड़ी बूटी डालते हैं ऐसे सारा दिन बना के। ये नारियल का तेल है, दूसरा कोई तेल है? हाँ। नारियल का तेल, तिल्ली का तेल, कैस्ट्रोल का तेल छे। अच्छा। तीनों तेल मिला के इसको सारा 12 घंटे जलाते हैं। ओके। जला के हम यूज करते हैं, लेडीज जेंट्स यूज करते हैं। अच्छा। बाल हमारे को रिजेक्ट है तो कस्टमर को ले देते हैं, जो हमारे लोग को बाल बताते चले। मैडम मैं जब आपको देखा था एकदम गरुड़ा के जैसे दिख रहे थे। हां हां गरुड़ा।
चलो सर बताएंगे, मेरा बाल भी है, मेरा बहन का बहन, हमारे बहन का, मेरा फैमिली पूरा बाल लंबा ही है, सबके हेयर्स लॉन्ग है, सबके लॉन्ग है। चलो चलो देखते हैं फिर। अब आप सबने भी देख लिया ऐसे बनता है हेयर ऑयल आदिवासी हेयर ऑयल ऐसे बनता है। और सर का नाम सुदेश सर है। सुदेश सर, आपने अगर ये सर को पहचान लिया होगा तो कमेंट्स में बताना, ठीक है? बहुत वायरल चल रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे भी देखना था। सही जगह है मैडम, सही प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। हाँ। तो कैसे गारंटी वाला प्रोडक्ट चाहिए? हाँ, गारंटी वाला। फेक बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं आदिवासी हेयर ऑयल के नाम। मेरा मामू है, इधर से आ जाओ मैडम। बाप रे, लेडीज जेंट्स लगाओ मैडम, ऐसे काम करता है, ऐसे लंबा। ये मेरी बड़ी बहन है सर, बड़ी बहन का भी बाल देखो। ये देखो इनके भी कितने लॉन्ग हेयर्स हैं। ये यही आदिवासी हेयर। हाँ, यही तेल हम तो यही यूज करते हैं परिवार। ये बेटी है, ये बेटी का बाल है यहाँ खाने आओ। बेटी है ये, पूरा हमारे परिवार ही है भाई साहब। ये भी बहन का बेटी है, ये भी बहन के भाई की बेटी है, परिवार है। देखो आदिवासी हेयर ऑयल लगा के इन सबके बाल कितने लॉन्ग हुए हैं। लेडीज जेंट्स यूज करते थे, हम आगे का जमाने में बाल काट के बेचते थे। कल बाल के लिए 70,000-60,000 में जाते हैं। 70,000? हाँ मैडम, एक्सटेंशन बनता है ऐसे बालों का। वाह सर, आपकी हेयर्स बहुत अच्छे नकली तो नहीं, जो छीन के देखो मैडम, देखने तो नहीं है। नहीं, बहुत सही है ये, देखो रियल हेयर से। ये गाइस रियल हेयर से। ये हमारे बहन का भी तो इतने एक साल का है, काट के भेज दिया है पहले वाला। एक साल का? एक साल का। एक साल में इतने लॉन्ग हेयर्स हो गए? 2-3 बोतल लगाइए मैडम, इतने ही लॉन्ग आएगा। अच्छा, सही वाला तेल है ना, गारंटी आएगा। ले देखो ना, एक साल में इतने लॉन्ग हेयर्स हो गए। आप भी लेके जाओ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही होगा सर। थोड़ा सा बढ़िया है सर, दाढ़ी वाड़ी थोड़ा दाढ़ी लगाओ, मूंछ को लगाओ, इतना ही आएगा। ये देखो, ये है आदिवासी हेयर ऑयल। इनके नाम पे है ना बहुत सारे फेक प्रोडक्ट भी होते हैं, लेकिन है ना रियल वाला ये है। हाँ, ये दिया। ये नाम पे बहुत फेक चल रहा है ना, इसलिए मेरे नाम पे रख दिया। अच्छा, आदिवासी सुदेश हर्बल हेयर ऑयल, ये वाला रियल है आदिवासी। पापा क्या बोलते हो फिर, आपके लॉन्ग हेयर्स करने करने के लिए तो लॉन्ग हेयर जरूरी मैडम, सुंदर ही होती है। तुम बाल काट लेते हैं? नहीं, अभी इनके इतने सारे लॉन्ग हेयर्स देखिए, मुझे भी ऐसे लग रहा है मेरे भी इतने लॉन्ग हेयर्स होने चाहिए। जैसे ना डिलीवरी होने के बाद बाल झड़ते हैं लेडीज के, एक उम्र के बाद भी बाल आना बंद होते हैं, मतलब लंबे बाल नहीं होते, तो ये यूज करने के बाद हो जाएगा? हो जाएगा मैडम। देखो मैडम, 2 ढक्कन तेल लेके बाल में जड़ में अच्छे से मालिश करके रात में करके सुबह वॉश करना है मैडम। ऐसे लगातार 5-6 दिन करो मैडम, आपका झड़ना तो कमल बिल्कुल रुक जाएगा। बाकी का दिन में हफ्ते में 3 बार करके जाओ। 2 ढक्कन तेल ले लो बाल का, जब में अच्छे से मालिश करो रात में, सुबह उठ के वॉश भी नहीं किया तो क्या किया तो क्या, बाद में हफ्ते में 3 बार करके जाओ मैडम। 3 महीने लगाओ मैडम, और आने वाला बाल मोटा होकर लंबे होने को शुरू हो जाएगा। 3 महीने में रिजल्ट दिखता है सर? 3 नहीं, 1 महीने फुल रिजल्ट मिलता है। एक लेडीज के लिए 2 बोतल लगाना है, जेंट्स के लिए 1 बोतल लगाना है। जेंट्स के लिए तो 3 महीने, लेडीज के लिए तो 6 महीने। ये बाल मैडम 3 महीने लगाओ मैडम, या तो आपका कमर तक आ जाएगा 1 बोतल। 2 बोतल लगाओ, कमर से नीचे चल जाएगा। हम एक ही नहीं है मैडम, पूरा ऑल इंडिया मेरा जा रहा है। अच्छा। एक आदमी यूज करने से 10 कस्टमर दोबारा उसका फैमिली में 10 कस्टमर मंगा रहे हैं। अच्छा। जो सही कॉन्टैक्ट किया ना, आजकल क्या गया हमारे नाम से बहुत सारा फेक उतर गया। हम जो फ्लिपकार्ट मीशो वो अपना फेसबुक में चल रहा है ना, वो हमारा नहीं, हमारे वीडियो को एडिट करके वो हमारे नंबर को हटा देते, वो नंबर को डाल के वो चला रहे, वो भी हमारा नहीं है सर। अच्छा, सही जगह कॉन्टैक्ट करो, सही प्रोडक्ट लेकर। तो ये रियल कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको भी चाहिए आदिवासी हेयर ऑयल तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हो। वीडियो कॉल करके भी आप डाउट सारे क्लियर कर सकते हो और फिर मंगवा सकते हो हेयर ऑयल। इंडिया में कहीं दूसरी जगह पे नहीं बन रहा? नहीं सर, कर्नाटक में बन रहा है सर। यही भाई, कहीं भी नहीं बन रहा है। हम कर्नाटक मैसूर है सर, मैसूर डिस्ट्रिक्ट हमारा पचकीराज गांव है सर। अच्छा। फिर नागर वाले हम जंगल है सर, नागर वाले जंगल से जड़ी बूटी लाके हम तोड़ के हम बनाते हैं सर, 108 जड़ी बूटी से बनाते हैं सर। अच्छा, तो मतलब बाहर से अगर कहीं मिल रहा तो मतलब फेक है? फेक है सर, दुनिया को लूट रहा है सर, मेरा नाम लेके आदिवासी नाम लेके। अरे हाँ, ये गलत है फिर। देखो सर, मेरा पर्सनल इतना जा रहा है, देखो दिन में 500-600 पार्सल जा रहा है। बाप रे, दिन में 500-600 पार्सल, क्या बात है। बहुत सारे फेक आदिवासी हेयर ऑयल भी है, लेकिन है ना रियल वाला यही है। तो अगर कई बार से मंगाएंगे और उसको यूज करेंगे, रिजल्ट आएगा, फिर इनके नाम से चिल्लाएंगे। मेरे नाम से चिल्लाएगा, मेरे सब
जो भैया फोन कर, मैं तेरे आपका वीडियो देख के मैंने मंगाया, कुछ मेरे को फायदा नहीं मिला, ऐसी बोलता है। और से मंगाया मैंने, तो हाँ मैंने ये आदिवासी हेयर ऑयल लेकर जाएंगे और यूज भी करेंगे, देखते हैं रिजल्ट। पापा आप भी यूज करना। मैं तो लेके चल रही है। यस, एक तू भी एक लेके चल। और कैसे ये ना ट्रस्टेड है, यूज कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि कैसे बनता है ये तेल, बहुत अच्छा है और एकदम प्योर तेल है ये। स्मेल है उसके, वो जैसा नहीं क्या एकदम भृंगराज के तेल, नहीं क्या वो जो मालिश करने वाला तेल, ये बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है, जड़ी बूटी वाली फ्रेग्रेंस है पूरी। ये देखो ये रही सर की वीडियो कॉल वाली टीम, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो कॉल करके इनसे सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। सर मंगाना है तो पूरा आपका एड्रेस लिख के भेजो सर, कैश ऑन डिलीवरी होम डिलीवरी भी है सर, कैश ऑन होम डिलीवरी भी है। वाह क्या बात है सर। अगर आपको मंगाना है तो आप एड्रेस वगैरह कॉन्टेक्ट नंबर पे लिख के दे सकते हो, फिर आपको होम डिलीवरी भी मिलेगी। सर ये बताओ आपने मुझे पहचाना क्या? हाँ मैं देखा मैडम आपको इंस्टाग्राम में देखा, इंस्टाग्राम में भी देखा और यूट्यूब में भी देखा मैडम। okay, नाम बोलो नाम बताओ सबका। अगर मैं तो मेरे को पढ़ा लिखा नहीं है सर, अगर मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ मैडम, डेली देखता हूँ। ये देखो ये रही सर की रजिस्टर्ड कंपनी, ये सर सर्टिफिकेट भी है, लैपटॉप चेक कर सर। अच्छा लैब टेस्ट हुआ, अच्छा ये टेस्ट रिपोर्ट है, लैब टेस्ट भी हो गया है। वाओ लेसन से सर जनरल का, जो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का जो जो हम बनाने को मालूम नहीं तो वो हमारे नाम लेके चला रहे हैं सर। अच्छा असली प्रोडक्ट बेच रहे हैं बिना ये कागज के, बस बिना बेच रहे हैं। तो आदिवासी लोग हैं मैडम, ग्रुप तो पहले जंगल में रहते थे। अच्छा अभी तो थोड़ा बाहर सिटी पब्लिक सिटी भी कर रहा है लोगों की तरफ। अच्छा अभी अभी हमारे लोग आ गया है, पहले पूरा खाने को भी बहुत दिक्कत होती थी, अभी अभी थोड़ा लोग को प्रचार कर दवाई भी देते मैडम पहले। चलो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत सही लगा। आपने जो प्रोसीजर दिखाया कि हेयर ऑयल कैसे बनता है क्या बनता है, बहुत मजा आया देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देख लिया भैया कैसे बनता है हेयर ऑयल, देख लिया। अब लगाएंगे हम घर जाके उसको अच्छे से एकदम। पापा दाढ़ी को भी लगाने वाले हैं। दाढ़ी को लगाऊंगा मैं, क्या लाया तीन तीन ला लिया मैं अभी। चलो ठीक है घर जाके लगाएंगे हम ये हेयर ऑयल। तो हमें इन सब आदिवासी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, जो जंगलों में रह के मेहनत करके तेल बना रहे हैं। आपको भी ऑर्डर करना है तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर्स डाल दिए हैं। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब कल चलते हैं बैंगलोर और देखते हैं कल का दिन हमारे लिए क्या सरप्राइज लेके आएगा।